एंड वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड गाइज। ये उस वीडियो का पार्ट टू है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोर्स का पार्ट टू है ये। सो हमने यहीं से छोड़ा था, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सेव योर सेल्फ वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स, आज हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले वैक्सीन्स। अ वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ डिजीज़। एक वैक्सीन एक ऐसी प्रिपरेशन है जो कि एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर छोड़ देती है, या फिर किसी भी डिजीज़ के लिए सबसे पहले उसकी, अगर आपको प्रिवेंशन करना है तो आप उसके लिए वैक्सीन लेते हैं, जिससे कि उस वैक्सीन में क्या होता है, उसी डिजीज़ के जिसके आप वैक्सीन ले रहे हो उसके डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे कि एंटीबॉडीज बन जाते हैं। और फिर वो जब अगर आप उस डिजीज़ से इन्फेक्ट भी हो जाते हैं तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी सेफ रहती है। तो इस तरह की प्रिपरेशन को वैक्सीन बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं। वैक्सीन्स आर यूजुअली मेड फॉर वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस के लिए वैक्सीन्स बनती हैं, जैसे कि साल्क वैक्सीन फॉर पोलियो, पोलियो की वैक्सीन का नेम साल्क वैक्सीन होता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रैबीज वैक्सीन एट्सेट्रा। आगे प्रोसीड करते हैं। एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक इज एन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इनहिबिट्स एंड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक एक ऐसी प्रिपरेशन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करती है, किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो मैं आपको एक फैक्ट बता देती हूँ कि जो हमने पिछली बार पढ़ा, अभी से पिछली स्लाइड में पढ़ा, वो है वैक्सीन। और सबसे पहली वैक्सीन जो थी वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को 1798 में एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। और जो हम एंटीबायोटिक के बारे में अभी पढ़ रहे थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नाम की एक एंटीबायोटिक बनाई थी 1929 में। जो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं वो उनको हम ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक्स से। मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं उनको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक यूजुअली बैक्टीरिया को टारगेट करती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो डाउन करती है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। पैथोजेंस। पैथोजन क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं, वैसे तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अ पैथोजन इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज़। पैथोजन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, बीमारियां फैलाता है, यानी जर्म। इन दिस कॉन्टेस्ट पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस को भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काउंट किया गया है इस कॉन्टेक्स्ट में। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस कैन बी पैथोजेनिक। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस पैथोजेनिक यानी जर्म से रिलेटेड होता है, पैथोजेनिक हो सकते हैं। कैरियर। कैरियर इज अ पर्सन और ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड विद एन इन्फेक्शियस डिजीज एजेंट बट डिस्प्लेज नो सिम्टम्स ऑफ इट। कैरियर कोई भी ऐसा पर्सन या ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि इन्फेक्टेड है किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से, किसी ऐसे डिजीज़ से जो कि फैल सकता है पर उसके अंदर उस डिजीज़ के सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि एसिम्टोमेटिक, उसके अंदर उस डिजीज़ के सिम्टम्स नहीं है पर वो उसे स्प्रेड कर सकता है। दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन, वो उस इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है सिंस दे ऑलरेडी हैव द पैथोजन इन देयर बॉडी, क्योंकि उनके अंदर उस बीमारी का जर्म तो है ना, तो इसको हम कैरियर कहते हैं। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर देखते हैं। वेक्टर इज एन ऑर्गेनिज्म। वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच इज़ अ बाइटिंग इंसेक्ट, जो कि एक बाइटिंग इंसेक्ट हो सकता है, काटने वाला इंसेक्ट, या फिर टिक हो सकता है, दैट कैन ट्रांसमिट अ डिजीज और पैरासाइट फ्रॉम वन एनिमल टू और प्लांट टू अनदर। ये एक डिजीज़ को दूसरे पैरासाइट से लेकर एनिमल या प्लांट में कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। कॉमन एग्जाम्पल्स इसके मॉस्किटोज़ हैं, एडीज मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू वायरस। एडीज मॉस्किटो क्या करता है, स्प्रेड करता है डेंगू वायरस को, और एनोफ्लीज मॉस्किटो मलेरिया पैरासाइट को। एयरबॉर्न डिजीजेस। सर्टेन डिजीजेस कैन स्प्रेड बाय एयर। कुछ डिजीजेस एयर से स्प्रेड हो सकते हैं, इनको हम एयरबॉर्न डिजीजेस कहते हैं। जो एयरबॉर्न डिजीजेस का बेस्ट एग्जाम्पल है वो यहाँ पर दिया गया है, इन्फ्लुएंजा इस टाइप का डिजीज़ होता है। वाटरबॉर्न डिजीजेस ये वाटर के थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं, इनको हम वाटरबॉर्न डिजीजेस कहते हैं। गंदे पानी में या फिर स्टैग्नेटेड वाटर में, जमे हुए पानी में, इसके कई सारे पैथोजेंस आपको मिल जाएंगे। कंटेमिनेटेड वाटर इज होस्ट टू सेवरल पैथोजेंस, मतलब उनका घर होता है ये। टाइफॉइड बेस्ट एग्जाम्पल है, टाइफॉइड कॉलरा इनफैक्ट।
एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस के एग्जाम्पल्स क्या हैं? यहाँ पे दिए गए हैं ह्यूमन डिजीज, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलता है, एयर में फैलता है, एयर बॉर्न डिजीज है, मीजल्स वायरस से एयर एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, एयर या फिर कॉन्टैक्ट इसका ट्रांसमिशन का कारण बन सकता है, पोलियो वायरस से और एयर और कॉन्टैक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉलेरा बैक्टीरिया से वाटर या फूड से फैल सकता है, टाइफॉइड बैक्टीरिया से वाटर से फैल सकता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है, पीछे पड़ा है अभी, हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, मॉस्किटो बाइट मच्छर के काटने से फैलता है, स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ से और सिट से फ्लाई से। अब हम पढ़ेंगे प्लांट डिजीज़ के बारे में। सर्टेन पैथोजेंस मतलब कुछ तरह के पैथोजेंस कर सकते हैं क्या बीमारी डिजीज़ फैला सकते हैं प्लांट्स में, तभी प्लांट डिजीज़ दिया हुआ है। जस्ट लाइक ह्यूमंस प्लांट्स कैन बी अटैक्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस, जैसे कि ह्यूमंस और प्लांट्स दोनों ही अटैक हो सकते हैं, किसके द्वारा? बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा हो सकते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस, कई तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं प्लांट्स में, जैसे कि राइस पोटैटो व्हीट शुगर केन ऑरेंज एप्पल और कई दूसरे तरह के प्लांट्स में भी। डिजीज़ क्या है? सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। रस्ट ऑफ व्हीट फंगी, एयर या फिर सीड इसका ट्रांसमिशन का मोड हो सकता है। येलो वीन मोजैक और भिंडी वायरस से फैलता है, इंसेक्ट इसका ट्रांसमिशन का मोड हो सकता है। वॉच वॉट यू ईट, फूड पॉइजनिंग एंड प्रिजर्वेशन। अब हम फूड पॉइजनिंग और फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग, व्हेन फूड कंटेमिनेटेड विद पैथोजेंस और टॉक्सिन्स आर कंज्यूम्ड इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। इसका क्या मतलब है कि जब भी फूड बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड यानी गंदा होता है, कवर्ड नहीं होता मेनली, तो उस पर पैथोजेंस और टॉक्सिन्स यानी कुछ जर्म्स या फिर जो ऐसे कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं उसके अंदर जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, वो अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और जब हम उन्हें खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ अ पेन इन द स्टमक, आपके पेट में दर्द होने लगता है, ये इसका सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है फूड पॉइजनिंग का। इन सीवियर केसेस बहुत ज़्यादा अगर क्रिटिकल हालत हो जाती है उसमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग कैन ऑल्सो कॉज डेथ, इवन डेथ कॉज कर सकती है फूड पॉइजनिंग, इतनी डेंजरस डिजीज़ है ये। फूड प्रिजर्वेशन, अब इससे बचने के लिए हमें प्रिजर्वेशन करना आना चाहिए फूड का, वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द फूड इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रीज फूड बनाती हैं तो फूड प्रिजर्वेशन उनका मेन फोकस फूड प्रिजर्वेशन पे रहता है कि खाना जो वो गंदा ना हो। सर्टेन केमिकल्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से खाने पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है और फिर क्या होता है कि वो जो कुक्ड फूड की लाइफ है उसको इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इनहिबिट का मतलब इसका मतलब क्या कि जो सर्टेन केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए कि जो मार देते हैं बैक्टीरिया को, और इससे क्या है कुक्ड फूड की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, कुक्ड फूड बहुत दिनों तक चल सकता है उससे। सर्टेन सिंपल प्रिजर्वेशन मेथड्स कैन बी कैरिड आउट एट आर होम, कुछ प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं जो कि हम अपने घर पर भी कर सकते हैं, तो आइए उन पर नज़र डाल लेते हैं। सो केमिकल मेथड्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर यूज इन फूड प्रिजर्वेशन बाय मेजर फूड इंडस्ट्रीज एज दे आर हार्मलेस टू ह्यूमंस। कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं फूड प्रिजर्वेशन के प्रोसेस में कुछ फूड इंडस्ट्रीज के थ्रू, क्योंकि वो हार्मलेस होते हैं ह्यूमंस को, उनसे कोई नुकसान नहीं होता अगर कोई उन्हें कंज्यूम करता है तो। सोडियम मेटा बिसल्फेट, बाइसल्फेट एंड सोडियम बेंजोट आर कॉमनली यूज केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। इन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का नेम आप नोट कर सकते हैं, सोडियम बेंजोट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट, इनका आप नाम नोट करें। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट ऑल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट को NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव एट होम, इसको हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं होम में यानी घर पर। वेजिटेबल्स आर पिकल्ड, कुछ सब्जियों के अचार बना देते हैं सॉल्ट का यूज़ करके, एज सॉल्ट रिमूव्स वाटर, जैसे कि सॉल्ट पानी को रिमूव करता है और बैक्टीरिया और फंगस को
फंगस के सेल्स को किल करता है। तो ये कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके आप कर सकते हैं प्रिजर्वेशन फूड की, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब हम चीनी डालकर किस तरह से कर सकते हैं। शुगर इज़ यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ जैम्स जेलीज। जो जैम्स होते हैं, जेलीज होती है, स्क्वैशेज होते हैं, उनमें हम शुगर डालते हैं। और वो किस लिए डालते हैं कि उनको प्रिजर्व करने के लिए, जिससे उनकी फूड लाइफ बढ़ जाए। जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब होती है इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय द यूज ऑफ शुगर। अगर हम चीनी डाल देते हैं तो उस पर ग्रोथ नहीं कर पाते माइक्रोब्स, एज इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, कम हो जाता है। हम ऑयल और विनेगर से भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी फूड प्रिपरेशन जैसे कि अचार, पिकल, उनको कैसे करते हैं कि उनको प्रिजर्व किया जाता है या तो ऑयल डालकर या फिर विनेगर डालकर, क्योंकि इस तरह के इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। पैस्चराइजेशन का मैं आपको बता देती हूँ। जो पैस्चराइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या करता है, सुपर हीटिंग एंड कूलिंग द बेवरेजेस। पहले तो उनको जो भी पेस्टराइजेशन के थ्रू आपको प्रिजर्व करना है मटेरियल, जो भी जैसे कि मिल्क है उस पर लिखा आता है पेस्टराइज्ड मिल्क, उसका क्या मतलब है कि उसको पेस्टराइज किया जाता है। पहले उसको बहुत ज़्यादा 70 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और फिर उसे कूल किया जाता है टू किल पैथोजेनिक माइक्रोब्स, इस तरह के माइक्रोब्स को किल करने के लिए। और इस मेथड से क्या होता है, आपका इंश्योर हो जाता है कि जो टेस्ट ऑफ बेवरेज है डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब उसका टेस्ट ख़राब ना हो, ये इंश्योर किया जाता है। आप स्टोरेज एंड पैकिंग कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए एयरटाइट और सील्ड कंटेनर्स में प्रिजर्व किया जाता है। अगर एयर एब्सेंट हो जाए तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंगी रुक जाती है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल मैं आपको एक बार बता देती हूँ। नाइट्रोजन साइकिल क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है वो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन में, कंपाउंड में नाइट्रोजन के, और फिर क्या होता है कि जो सॉइल में चला जाता है वो, ठीक है, वो कंपाउंड, क्योंकि प्लांट्स जैसे कि एयर यूज़ करते हैं तो वो उनके साथ सारे चला जाता है। तो जो प्लांट्स हैं वो कंपाउंड्स लेते हैं नाइट्रोजन के सॉइल से और उनकी रूट्स के थ्रू। तो जो प्लांट है वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड को प्लांट प्रोटीन में, जो कि उनकी बॉडी बनाती है, ठीक है, जो कि उनकी जिससे उनकी बॉडी बनी हुई है, प्लांट प्रोटीन से प्लांट की बॉडी बनी हुई है। तो जो जो प्लांट्स जब प्लांट्स एनिमल के थ्रू ईट किए जाते हैं, जब एनिमल्स उन प्लांट्स को खा लेते हैं तो खाने की तरह, तो एनिमल जो हैं वो उन प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर लेते हैं एनिमल प्रोटीन में, जिससे उनकी बॉडी बनी है एनिमल प्रोटीन में, यानी एनिमल्स की बॉडी एनिमल प्रोटीन से बनेगी। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही मर जाते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं जो कि उनकी डेड बॉडीज़ में प्रेजेंट हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं और फिर नाइट्रोजन के सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये जो कंपाउंड्स हैं ये सॉइल में जाकर मिल जाते हैं। जो ये कंपाउंड्स हैं, दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ये क्या करते हैं, ये दोबारा से न्यू प्लांट्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं ये न्यू प्लांट्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये जो पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल का ये एंडलेसली रिपीट होता रहता है। फिर क्या होता है कि जो कंपाउंड्स डीकम्पोज्ड, जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, मैं अपना लास्ट पॉइंट फिर से रिपीट कर देती हूँ, कुछ कंपाउंड्स जो नाइट्रोजन के हैं उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू, जो कि प्रेजेंट है सॉइल में, जो नाइट्रोजन गैस को बनाता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन है वो दोबारा से एयर में जाती है और फिर इस तरीके से जो नाइट्रोजन गैस है जो कि रिमूव कर दी गई थी एटमॉस्फेयर से फिक्सेशन के थ्रू, अब वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाती है। तो नाइट्रोजन साइकिल का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैंने इसी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर इनफ टू यू। और इतना ही आज के लिए, आई थिंक आई हैव मेड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इसी तरह की वीडियोज़ मैं आगे भी अपलोड करती रहूँगी। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड अटेंशन। और आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।